कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बता दिया कि मैं कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ उसकी क्या क्या खासियत है और कितना उसका फीस है। लेकिन ऐसा होता है ना कि बातों 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 में बात निकलती है, तो कई बच्चों ने मुझसे बहुत सारे डाउट पूछे, तो फिर मुझे लगा कि ये डाउट किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, तो वो सारे डाउट को मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। आपका जो भी डाउट होगा वो इसी में से कुछ होगा, नहीं होगा तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, सबसे पहला ये कि मैंने कोर्स ड्यूरेशन 2 महीने की रखी है, तो बच्चों ने ये बोला कि सर क्या 2 महीने में कोर्स हो जाएगा? देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि मिडिल क्लास आदमी ना ईमानदार जरूर होता है, जो बहुत अमीर होता है हो सकता है वो बहुत पैसा देख ले इसलिए वो बेईमान हो जाए, लेकिन हम ईमानदार बहुत हैं, ठीक है ना? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर मैंने ये बैच कमाने के लिए रखा होता तो मैंने जो 15 बच्चों का पर बैच करा हुआ है मैं वो लिमिट रखता ही नहीं, मैं एक बैच में अनलिमिटेड बच्चे बैठाता, मानो 20 बैठाता, 30 बैठाता, 50 बैठाता, तो मेरी इनकम 3-4 गुना हो जाती। तो मैं 15 बच्चों का बैच सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि मैं क्वालिटी डिलीवर कर पाऊं। अब आप में से कई लोग सोच रहे, जब ये इतना महान बनने की कोशिश कर रहा है तो क्यों नहीं फ्री में क्यों नहीं करता? फ्री में मैं 1.5 साल से कर चुका हूं, कोई नहीं देख रहा, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मेरे से मैं बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, और वो प्रूफ करने के लिए पढ़ने वालों के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन मैक्सिमम जब भी देखा जाता है जब आप किसी चीज के लिए पे करते हैं। तो इसका मैं क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैं फीस क्यों ले रहा हूं, ठीक है ना? वो एक अलग इश्यू है, ठीक। कोर्स ड्यूरेशन 2 महीने मैंने कह दिया है, लेकिन अगर कोर्स 3 महीने में कंप्लीट होगा तो मेरा कोर्स ड्यूरेशन 3 महीने होगा, 3.5 महीने में कंप्लीट होगा तो मेरा कोर्स ड्यूरेशन 3.5 महीने होगा। मतलब बिना कोर्स कंप्लीट करे मैं ये बैच ऑफ नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? हाँ, एक चीज ध्यान रख लेना कि मैं वीक में 6 दिन पढ़ाऊंगा, ओके ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मानो इन 3 दिन मैंने मैथ्स पढ़ाई और इन 3 दिन मैंने साइंस पढ़ाई। जिस दिन मैंने छुट्टी करी वो तो मैं आपको भरपाई करूंगा, लेकिन जिस दिन आपने छुट्टी की उस क्लास की भरपाई नहीं होगी। और दूसरी बात, हाँ ये पॉइंट तो ऐड कर लो, मैं टीचमेंट ऐप पे क्लास लूंगा, ऐसा नहीं है टीचमेंट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जूम पे भी ले सकता हूं, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? फिलहाल टीचमेंट पे लेंगे। टीचमेंट ऐप में जितनी भी लाइव क्लासेस होगी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी, दैट मीन्स आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाओगे, और मैं 1-to-1 इंटरेक्शन ही चाहता हूं, इसलिए मैंने 15 बच्चों की लिमिट रखी, वरना मैं बैच में लिमिट ही नहीं रखता। आप कितने आ जाते भेड़ बकरी की तरह, ना आप मुझसे पूछ पाते ना मैं आपको बता पाता। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? 15 बच्चों की लिमिट रखी है एक बैच में, तो मैं हार्डली 2-3-4 बैच बना पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि समय मेरे पे इतना बचेगा। तो मैं क्वालिटी चाहता हूं, इसलिए मैंने 15 बच्चों की लिमिट रखी है। और टीचमेंट ऐप में सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे आज जो मैंने क्लास ली वो रिकॉर्ड हो जाती है 1-2 घंटे बाद, मतलब मैं रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन करूंगा और वो आप जब अपनी ऐप खोलेंगे तो जिस क्लासरूम में मैंने आपको ऐड कर रखा होगा उसमें वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव रहती है। जो मैंने कुछ क्लासेस डाली हुई है ना वो वहीं से रिकॉर्डेड से डाउनलोड करके डाली है। आप भी रिकॉर्डेड को डाउनलोड करके सुन सकते हो, मैं भी रिकॉर्डेड को डाउनलोड करके सुन सकता हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं सुन सकता। मतलब ये 1-to-1 इंटरेक्शन और आपके मेरे बीच की बात होगी, ठीक है ना? अब बात आती है डाउट क्लियर। पहली बात तो ये, आपने नोटिस नहीं किया, मैंने मंडे टू सैटरडे ये रखा, संडे को फ्री रखा है, तो संडे को मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और डाउट क्लियर के लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, और मार्केट में ऐसा कोई हो तो बता दो। मैं डाउट क्लियर में संडे को, मेरे पे मानो 2 बैच बन गए 30 बच्चे, तो मैं 2-2 बच्चों का बैच बनाऊंगा, 2 स्टूडेंट्स का बैच बनाऊंगा, मतलब 2-2 स्टूडेंट्स को एक साथ टाइम दूंगा, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी मैं दे सकता हूं, आधा घंटा तो मिनिमम, उनमें उनके डाउट्स पूछे जाएंगे।
अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पहले हफ्ते से ही संडे में डाउट पूछे जाएंगे, नहीं, डाउट पूछे जाएंगे जब मैं एक चैप्टर करा दूंगा, जैसे मैंने एक चैप्टर मोशन पूरा करा दिया, फिर जो संडे आएगा उसमें मैं आपको डाउट के लिए रखूंगा। और क्लास में तो आप डाउट पूछ ही सकते हो और इंडिविजुअल भी पूछ सकते हो, और चाहो तो वैसे भी पूछ सकते हो। मानो आपको बीच में कोई डाउट आ गया और आप क्लास में नहीं पूछ पाए या उस समय नहीं था वो डाउट, आप मुझसे ईमेल में वो डाउट भेजो, मैं उस डाउट को अपने चैप्टर पे, वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहोगे तो पर्सनल आपको ही उस सॉल्यूशन को भेज दूंगा, या जब भी टाइम अवेलेबल होगा। मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट क्लियर हो अगर आप सीखना चाहते हो तो। अब बात आती है कोर्स कंप्लीटिशन, इसको और इसको एक साथ मर्ज कर लो, सॉरी इसको और इसको एक साथ। देखो मैं बीच में अधूरा कोर्स नहीं छोड़ूंगा, आपको यकीन नहीं होगा, 50 दिन डेली वोकैब बूस्टर, 50 दिन डेली रीजनिंग बूस्टर, और अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें मैंने कराई, लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं, इसलिए मैंने उस चीज को बीच में छोड़ा। और अब जब आप मुझे पे करोगे तो मैं बाउंड हो जाऊंगा पढ़ाने के लिए, और आप बाउंड हो जाओगे पढ़ने के लिए। तो कोर्स कंप्लीटेशन की चिंता छोड़ो, वो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अब बात आती है बुक्स की। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बुक्स के लिए मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी, मैथ और साइंस की बात कर रहा हूं, कि आप एनसीईआरटी खरीद ले। और जो एनसीईआरटी खरीदना भी नहीं चाहता उसके लिए भी सिंपल ऑप्शन है, गूगल से जो जो चैप्टर मैं कराऊंगा उस चैप्टर का पीडीएफ गूगल से डाउनलोड कर ले, और जिसको नहीं आता उसे मैं सिखा दूंगा, और वो फिर भी नहीं कर पाता तो मैं ही उसे भेज दूंगा ईमेल में। तो आपको बुक्स में एक पैसा खर्च नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कोई चिंता नहीं है। बुक्स में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रहेगा, और स्टैंडर्ड का मतलब कंसेप्ट एनसीईआरटी के चलेंगे, बाकी जो मैं आपको हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन दूंगा, कैसे 50 में कराऊंगा हर चैप्टर कंप्लीट होते ही, और 100 में असाइनमेंट में दूंगा, होमवर्क में दूंगा हर चैप्टर कंप्लीट होते ही, हर दिन 50 और हर दिन 100 नहीं, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 150 एमसीक्यू। और मेरे हिसाब से आप लोग आईएएस की तो तैयारी कर नहीं रहे, 150 एमसीक्यू पर चैप्टर मोर देन सफिशियंट है, चाहे कुछ भी कहो। और रही बात क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो जिसको क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखना है तो मेरी वीडियो देख ले, पता चल जाएगा। और अदरवाइज मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं, देखो ये बात आपकी मैंने देखा ना, जब मैं सब कुछ फ्री में कर रहा था तब भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, अब मैं एक नॉमिनल फीस ले रहा हूं ताकि मैं बाउंड हो जाऊं आप बाउंड हो जाओ तब भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसको साइड रखो, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं फीस ले लूंगा फिर आपसे कहूंगा चलो क्लास स्टार्ट है, मैं एक क्लास डेमो जरूर दूंगा सबको, ठीक है ना, एक क्लास डेमो जरूर दूंगा, जैसे हम करेंगे उसके बाद फीस ली जाएगी। तो अगर आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग पसंद आएगा तो ज्वाइन करना, अदरवाइज नहीं करना। और जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट में जवाब रिप्लाई ना करे, क्योंकि कमेंट में नहीं पढ़ता, क्योंकि बहुत सारे अभद्र लोग भी कमेंट करते हैं, ठीक है ना। ईमेल आईडी aribistravi840@gmail.com cumbistravi840@gmail.com आपको मैसेज भेजना है कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं या नहीं, जो भी है। और दूसरी बात, लास्ट बात, आप में से बहुतों का कंसेप्ट मैथ और साइंस वीक होगा, मैं बार बार कह रहा हूं ये बैच उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है अपना मैथ और साइंस केवीएस पीआरटी के लिए बेस्ट करने का। और अगर मुझे लगा कि मानो 15 में से, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब आप लोग कह रहे हो ना कि लालची है, ये है, वो है, आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना, पहले नहीं समझ पाए आप क्या समझेंगे। अगर 15 में से मुझे लगा कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका कंसेप्ट बहुत ही वीक है और 10 ऐसे हैं जो चल रहे हैं सही ट्रैक पे, तो मैं इन 5 का एक अलग ही बैच बना दूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, बाकी जो करना है कर लो, ठीक है ना। धन्यवाद।